तो आपने समझाव्यु कि लोकल मार्केट में भाव घटे ते माटे सरकारे निकासबंदी करी होई शके छे। अलग अलग चौक्स रीजन सामे आवी रह्या छे। निकासबंदी शा माटे तेनु सौथी मोटू कारण चौक्स जोवा जोईए तो जे रीते डूंगळीनी किंमत छेल्ला एक महिनामां लगभग 58% सुधी वधी गई हती अने माटे आ भाव कंट्रोलमां लावा माटे पण निकासबंदी करी होई शके ते प्रकारनुं लॉजिक सामे आवी रह्युं छे। तो प्रतिबंध पाछळना अनेक अलग अलग कारणो चौक्स सामे आवी रह्या छे। डूंगळी एक वर्षमां वात करीए तो जेनी किंमतमां लगभग भारे उछाळो रिटेल मार्केटमां जोवा ग्राहकों ने पोसाय तेवी डुंगळी नहोती। एक किलोग्राम डुंगळी की किंमत में लगभग 27.94 उछाळो जोवा मळ्यो हतो अने आ भाव कंट्रोल में लावो अत्यंत जरूरी हतो अने माटे निकास पर प्रतिबंध मूकी देवा आवशे। 8 डिसेम्बर 2023 सुधी सरेराश किंमत की बात कराए तो लगभग प्रति किलो 56.82 रुपया किंमत थी, परंतु 2022 में बात कराए तो भूतकाळ में 28.88 रुपया किंमत थी। 8 डिसेम्बर 2022 की आसपास आ भाव है, परंतु 2023 में लगभग बेवड़ाई गयो है। तो रिटेल फुगावा दर वधीने 6% नजीक पहुंची थी पूरेपूरी शक्यताओ थी। माटे डुंगळीना जे रिटेल मार्केट में जे किंमतो छे तेने कंट्रोल में लेवा माटे पण निकासबंदी नो निर्णय लादवामां आव्यो होई शके छे। डुंगळी माटे बफर स्टॉक ने सरकारे बमणो करी दीधो छे, परंतु हवे ऊंधे थई रह्युं छे कि लोको डुंगळी ओछा भावे खरीदीने स्टॉक करी रह्या छे। घरेलू उपलब्धतामां सुधारो थशे अने आगामी दिवसोमां किंमत पर अंकुश आवशे। आ प्रकारनी धारणाने साथे आ निकासबंदी करवामां आवी हती। NCCF અને નાફેડે 5 લાખ ટનનો બફર સ્ટોક બનાવી પણ રાખ્યો હોવાના સમાચાર છે અને હજુ પણ 2 લાખ ટન ડુંગળી સરકાર ખરીદશે આ પ્રકારની યોજના પણ એની ઉપર પણ ચોક્કસ કામકાજ ચાલતું હોવાનો દાવો ચોક્કસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ અત્યારે